हाँ तो गाइस आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कल की मूवी के मेकर्स ने कल की 2898 एडी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फर्जी बता रहे थे, फेक बता रहे थे, उन्हें लीगल नोटिस जारी कर दिया गया। और अब मैं अभी देख रहा हूँ कि कहाँ हो यार फेक कलेक्शन बोलने वालों, कहाँ हो जब आप बोल रहे थे कि फेक कलेक्शन ही है। और यार साहिल अहमद खान को क्यों छोड़ दिया यार, FF News को क्यों छोड़ दिया यार, उनको भी जरा लपेटे में दे देते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ना कि कल की 2898 AD का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कहीं ना कहीं फेक था। और भाई साहब इनकी गाड़ी इतनी स्लो चल रही थी कि भाई साहब ये ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। 900, 900, 900, 938, 900, 938, भाई साहब 1000 तक इनका पहुंच ही नहीं रहा था। लेकिन अब जो लीगल नोटिस जारी किया गया है भाई साहब रोहित जायसवाल के लिए, सुमित केडल के लिए, तो अब जो इनको जो पनिशमेंट दिया गया है, जो चालान दिया गया है 25 करोड़ रुपए का, तो भाई साहब अब जब ये कल की 2898 AD में ऐड हो जाएंगे तो जरूर 1000 करोड़ हो जाएगी इनके अकॉर्डिंग, जिन पर पनिशमेंट लगाया गया है। तो गाइस आप सभी को तो पता चल ही गया होगा। और जब मैंने ये अपडेट देखा तो मैं खुद शॉक्ड हो गया, और स्पेशली जो लोग भाई लोग मुझसे बोल रहे थे, माफी चाहता हूँ कि हर्ष भाई आप कल की 2898 AD का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों नहीं शेयर कर रहे, प्रिडिक्शन क्यों नहीं शेयर कर रहे, अर्ली एस्टिमेट क्यों नहीं शेयर कर रहे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों नहीं शेयर कर रहे, एडवांस बुकिंग क्यों नहीं शेयर कर रहे, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं यार, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे यार, सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ रीजन 100 व्यूज आना भी मुश्किल हो रहा था। जब मैं वीडियो शेयर करता था जब उस पर व्यूज नहीं आते थे तो मैं खुद को कोसता था और डिमोटिवेट होता था, और मैं सोचता था कि यार नहीं अपने को नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्स। तो इसके चलते मैंने कल की 2898 AD के वीडियो बनाना बंद कर दिया, उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जब आप काफी ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आपको सही रिस्पॉन्स ना मिले तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते थे। तो इस कारण मेरे कल की मूवी के साथ इश्यू क्रिएट हो गए थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है सुमित जी के अगेंस्ट और ये इनके रोहित भाई के अगेंस्ट, तो उसके बारे में बात कर लेते। काय का भाई, लंडका भाई, काय का भाई, हट। तो प्रभास अन्ना सर को ट्रोल कर रहे थे, इनके फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कर रहे थे। तो गाइस ये प्रॉपर अपडेट निकल कर आया है कि कल की मूवी के जो मेकर्स है उन्होंने लीगल नोटिस जारी किया इन दोनों के लिए, इन दोनों भड़वों के लिए, जो कि प्रॉपर तरीके से बता रहे थे कि भाई साहब ये वो ऐसा वैसा। तो यहाँ पर सीन ये क्रिएट हुआ है, मूवी की टीम ने जो लीगल नोटिस दिया है उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि भाई साहब आपके ये सोर्सेस कौन है, आपको कौन इन्फॉर्म कर रहा है कि कल की मूवी का जो डेटा है, जो फिगर है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, ये गलत कैसे, कौन है आपको, कौन ये मतलब कौन है ये आकाशवाणी आपको आसमान से दे रहा है, या आपके पास नारद मुनि आते थे कि बताने कि आज का कल की 2898 AD का भारत का इतना हुआ है, ओवरसीज में इतना हुआ, ये हुआ है, फेक कितना, इतना क्या। भाई इनकी 900 करोड़ से गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही थी, लेकिन अब बढ़ेगी जब 25 करोड़ का इनका जुर्माना लगेगा, जब लगेगा तब 1000 करोड़ हो जाएंगे। 1000 करोड़ तो काफी दिन पहले हो गए थे, लेकिन इनकी गाड़ी बढ़ी नहीं रही थी। और उसी के बाद उन्होंने ये बोला है कि जितना भी कितने दिन का, मतलब कि पर डे का कितना क्या होता है, कहाँ से होता है, कैसे क्या होता है, सबको आपको भाई सब बताना पड़ेगा। आफ्टर दैट नहीं, अगर ये टाइम पर आप नहीं देते हो तो आपको 25 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। अब गाइस बनता है ना यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार साहिल अहमद खान को भी घसीट लाते साले को, FF News वाले को भी घसीट लाते। FF News का तो चलो ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन साहिल अहमद खान को अगर पकड़ के लाते ना तो वो सीधा ही ऐसा करता, अरे सर मैंने तो कुछ नहीं किया, यही था अकलियंस, यही था गुटका खान जो मुझे बोलता था ऐसा ऐसा करो, यही था ये चिलीज वो चिलीज काली चिलीज पीली चिलीज। तो भाई लिटरली गए साहिल अहमद खान को ही पहले पटक के उसकी टी शर्ट ऊंची करके देने थे उसमें, क्योंकि यार हमेशा से सालार का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने ही एक्सपोज किया था, इतना बड़ा क्रिटिक्स हो गया जो एक्सपोज कर रहा था। फिर उसके बाद ये FF News वाले, FF News की अपडेट कैसी होती है, सोर्सेस हमारे ऐसा बोल रहे, लेकिन सोर्सेस है कहाँ, सोर्सेस कहाँ हमारे सोर्सेस ऐसा बोल रहे, तो वो सोर्सेस मतलब कि ये है कि ये दूसरों के कंधे पे रखकर गोलियां चलाते हैं, तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन साहिल अहमद खान को पकड़ना था, जो कि फालतू की बातें करता रहता, हमेशा प्रभास को ट्रोल करता रहता, ये करता रहता, रिलीज होने आती है तो बोलता था कि भाई साहब हम सपोर्ट करेंगे, फिर रिलीज आफ्टर रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन इस चीज से पता चल गया है कि लोग
लोग, ये जो फर्जी यूट्यूबर है जो फेन वोर कराते रहते हैं, लाइक साहिल अहमद खान, बीएसटी रिव्यू, और ये एफएम न्यूज वाले, और भी हैं कुछ बड़े बड़े हैं, ये जो दो तो पकड़ा गए हैं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को इनकी बातों पर ट्रस्ट होता है। हम जो भारत में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी लोगों पर आप ट्रस्ट करते हो, अरे जो तुम ट्रस्ट करते हो वहां जाओगे ना तो गोली से उड़ा देंगे आपको, ठीक है। तो अपने भारत को सपोर्ट करो और अपने लोगों को सपोर्ट करो। आप लोग मुझे बोलते हो कि अर्श भाई साहिल अहमद खान ये बोल रहा है तो आप देख क्यों रहे हो, एफएफ न्यूज वाला ये बोल रहा है तो ये बीएसटी ये बोल रहा है फैन वर्ड, भाई ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं, सालार के टाइम पर ये सारी चीजें क्लियर हो रही थी क्योंकि वहां पर वो डंकी का डिफेंस कर रहे थे, तो उस समय मेरे को काफी लोग बोल रहे थे कि अर्श भाई इसको रिप्लाई करो, उसको रिप्लाई करो, ये करो वो करो यार। तो भाई अब आप देख लो, अब आप ही लोगों ने बड़ा बनाया है और अब आप ही लोग मुझे बोल रहे हो कि हर्ष भाई आप इसको ट्रोल करो। ट्रोल करने से भाई साहब दो स्ट्राइक चल रही है चैनल पे, मैं कैसे ट्रोल कर सकता हूं, अभी भी काफी लोगों को इश्यूज होंगे। तो भाई साहब जब आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे तो कैसे काम चलेगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, 25 करोड़ का जुर्माना आ जाए तो 100,000 करोड़ कंफर्म हो जाए और मेरा भी सीना चौड़ा हो जाए। वैसे कल की 2898 एडी का 1100 करोड़ कंप्लीट हो गया, 1200 करोड़ नियर बाय है, मतलब चल रहा है, काउंटडाउन चल रहा है। वैसे आप लोग बताओ क्या लगता है इन दो बिगेस्ट क्रिटिक्स के बारे में जिन्हें लीगल नोटिस पूछा गया कल की मूवी की टीम की तरफ से, क्या साहिल अहमद खान को भी इस लीगल नोटिस में रखना था, एफएफ न्यूज वाले को भी रखना था क्या? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये जो मैंने बातें आप लोगों के साथ शेयर की है सही है या गलत है बताइएगा जरूर। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका बंच पार्ट और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।